NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara, Behta, Patna. नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ जूही सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी प्रदेश के कई पुलिस वाले शराबबंदी लागू करने में अब तक विफल रहे, और ऐसे ही पुलिस वालों के खिलाफ अब पुलिस मुख्यालय ने कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस मुख्यालय ने शनिवार को ऐसे 41 पुलिस वालों की सूची जारी की है जो पिछले 3 साल से शराबबंदी लागू होने के बावजूद भी अपने अपने इलाकों में इसे लागू कराने में पूरी तरह विफल रहे हैं। पुलिस मुख्यालय ने इन 41 पुलिस वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए आदेश जारी किया है कि अगले 10 साल तक इन्हें न तो थाना अध्यक्ष बनाया जाएगा और न ही प्रभारी पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी सूची में पटना मुख्यालय, मुजफ्फरपुर, कटिहार और सिवान समेत 16 जिलों में तैनात पुलिस पदाधिकारियों पर शराबबंदी लागू नहीं करवाने को लेकर गाज गिरी है। गौरतलब है कि 2016 में शराबबंदी लागू होने के बाद से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस बात की जानकारी मिल गई थी कि कई इलाकों में पुलिस की मिलीभगत से अवैध शराब उत्पादन और बिक्री की जा रही है। इसे लेकर नीतीश ने कई मौके पर पुलिस वालों को हिदायत भी दी थी और कहा कि शराब माफिया के साथ मिलीभगत करने वाले पुलिस वाले सुधर जाए, वरना उन्हें 10 साल तक थाना अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। ऐसे में यह 41 पुलिस पदाधिकारी सीएम नीतीश कुमार की हिदायत के बावजूद भी अपने अपने इलाके में शराबबंदी लागू करवाने में पूरी तरीके से फेल रहे, जिसके बाद पुलिस मुख्यालय ने उनके खिलाफ यह बड़ा कदम उठाया है। बता दें कि बिहार में अप्रैल 2016 से शराबबंदी लागू है। फिलहाल के लिए इतना ही। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। नमस्कार। कि आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स। यहाँ पढ़ती है भविष्य की मजबूत नींव, हम मिलकर बनाते हैं बेहतर कल। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, आपके बेहतर कल के लिए।